Alright guys, this is a bank nifty and daily chart. As I said yesterday, we are looking for buy. जैसे हमने कल बात किया था हम लोग क्योंकि ये ट्रेंड अभी आप है. All moving averages are arranging sequentially. यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये 200 exponential moving average above 50, 20 whatever. So all are arranging sequentially. तो मतलब ट्रेंड आप है और CCI यहाँ पे आप देख सकते हैं CCI running above 100. So, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 और अभी देख सकते हैं सीसी अभी भी 100 लेवल का ऊपर चल रहा है. मतलब ये अप ट्रेंड स्ट्रांग है और RSI भी आप देख सकते हैं 60 का ऊपर चल रहा है तो ट्रेंड अप है. तो अभी देखेंगे हम कहाँ पे आज एंटी किया था. लेट्स गो टू स्मॉल टाइम फ्रेम. ये 15 मिनट आप देख सकते हैं 15 मिनट और इंटरडे लेट जंप टू 5 मिनट. ओके सो यहाँ पे देख सकते हैं टेम्पोरली ये डाउन ट्रेंड था स्मॉल टाइम फ्रेम में. ये एरिया में टेम्पोरली डाउन ट्रेंड था और आप देखेंगे तो लार्ज टाइम फ्रेम जैसे डेली H1 H4 व्हाटएवर सो ट्रेंड अप है ना. तो यहाँ पे हमें बाय कॉन्फर्मेशन कहाँ पे मिला आप देख सकते हैं ये थोड़ा देर के लिए नीचे आया था. ऑलराइट सो बाद में यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ एग्जैक्टली यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ और फाइनली ब्रोक दिस 200. तो यहाँ पे हम लोग का बाय अपॉर्चुनिटी है. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसका ऊपर एक वीडियो बनाया था मेरा यूट्यूब चैनल में. आप जाके वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कॉल EMA. आप यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हैं EMA प्लस CCI प्लस RSI ट्रेडिंग कॉम्बिनेशन. तो ये तीनों इंडिकेटर यूज करके कैसे ट्रेडिंग किया जाता है इंटरडे या लार्ज टाइम फ्रेम उसका ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है. तो आप लोग वो एक बार देख सकते हैं वहां पे. तो फाइनली यहाँ पे देखा हमने इसको क्रॉस किया हुआ है. ऑलराइट उसके बाद एक पुल बैक यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म हुआ 60 में. सो इसका ऊपर थोड़ा बाय अपॉर्चुनिटी है ना. सो परफेक्ट बाय अपॉर्चुनिटी. सो फाइनली प्राइस गॉन अप. ठीक है तो कल भी हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें करेक्शन चाहिए. अगर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो लाइक दैट सो डेफिनेटली विल गो फॉर बाय. तो चलो आज देखते हैं टॉप गेनर स्टॉक. लेट मी शो यू टॉप गेनर स्टॉक. फर्स्ट वन UPL टाटा स्टील. ओके लेट्स सी UPL UPL आज से ये 15 मिनट आप देख सकते हैं UPL का बाय अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिला. ये क्रॉस ओवर है ना 100 क्रॉस किया 60 में सपोर्ट फॉर्म हुआ बुलिश कैंडल इसका ऊपर बाय अपॉर्चुनिटी अभी थी क्लियर बाय अपॉर्चुनिटी मिला हमें. तो अगर आप कल एक मिनट डेली चार्ट कल हम बाय कर सकते हैं डेफिनेटली यहाँ पे हम कल बाय कर सकते हैं. लेट्स सी इन अ स्मॉल टाइम फ्रेम लाइक 15 मिनट. तो सिमिलरली हमें एक सपोर्ट चाहिए जैसे मैं लेट मी शो यू जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन और इसका ऊपर अगर सपोर्ट ले रहा है और साथ में यहाँ पे जब बुलिश कैंडल फॉर्म होगा तो ये बाय अपॉर्चुनिटी है ना. सो लेट्स सी अनदर स्टॉक टाटा स्टील. टाटा स्टील टाटा स्टील 15 मिनट यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉस ओवर हुआ है ना. क्रॉस ओवर दोनों में क्रॉस ओवर हुआ जीरो लाइन भी क्रॉस ओवर हुआ साथ में 60 क्रॉस ओवर हुआ तो ये बाय अपॉर्चुनिटी है. ऑलराइट सो यहाँ पे आप देख सकते हैं और लार्ज टाइम फ्रेम में देखे तो इसमें कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस है क्या. तो इसमें कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी तक तो देखा ही नहीं दिया. ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हैं परफेक्ट बाय अपॉर्चुनिटी क्लियर अप ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम फुल बैक एक्ट एज ए सपोर्ट. सो इसका ऊपर हम बाय ले सकते हैं ना. ऑलराइट सो लेट्स सी अनदर स्टॉक SBI लाइफ इन इंश्योरेंस. सो SBI लाइफ इंश्योरेंस लेट्स सी SBI
लाइफ इंश्योरेंस, चलो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम एक सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, और ये साइडवे मार्केट था, यहाँ पे साइडवे मार्केट था तो इसका ऊपर हमें बाय लेना है। जैसे स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 15 मिनट आप देख सकते हैं 15 मिनट में, तो इसमें 15 मिनट बाय अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रहा, तो यहाँ पे भी एक बाय अपॉर्चुनिटी था ये कैंडल में, ठीक है ये कैंडल में। जैसे इसको आप देख सकते हैं दोनों क्रॉस किया हुआ है, जैसे 100 को क्रॉस किया, साथ में 60 को फिर से क्रॉस किया। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर आस्किंग मी यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं क्या, तो इसका ऊपर करेंगे तो सेम एरिया में ही बाय हुआ दोनों में, क्योंकि ये एक 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 इंडिकेटर क्रॉस हुआ तो इसमें हम बाय नहीं ले सकते हैं, तो नेक्स्ट में ये जो एरिया है दोनों में क्रॉस हुआ तो यहाँ पे हम बाय ले सकते थे। सो नेक्स्ट वन इंडसइंड बैंक अदानी पोर्ट, इंडसइंड बैंक 15 मिनट क्रॉस ओवर, यहाँ पे दोनों आप देख सकते हैं क्रॉस ओवर हुआ है, परफेक्ट बाय अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, क्लियर अप ट्रेंड, सिर्फ हम बाय में ही जाएंगे है ना। और लास्ट टाइम पे हम डेली में देखेंगे तो और बाय ले सकते हैं क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है अभी रेजिस्टेंस हो रहा है, तो हमें एक ब्रेकआउट चाहिए, अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1100 है ना, तो नेक्स्ट रेज देन। ओके अदानी पोर्ट एंड JSW, दो ही देख लेते हैं, अदानी पोर्ट। ओके 15 मिनट टाइम फ्रेम, यहाँ पे तो मुझे कोई बाय अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं, ये जैसे कल बाय अपॉर्चुनिटी था यहाँ पे ये एरिया में, तो आज बाय अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी मिला नहीं मेरे को यहाँ पे, ठीक है ये क्रॉस ओवर टू काली हुआ था, तो यहाँ पे सेल सिग्नल दिया, क्योंकि सेल में हमें जाना ही नहीं क्योंकि ये अप ट्रेंड में चल रहा है ना। सो लास्ट वन JSW, सॉरी JSW स्टील हो गया, लेट्स सी JSWST, ऑलराइट 15 मिनट में कहाँ पे बाय मिला हमें, तो बाय यहाँ पे मिला क्रॉस ओवर है ना, ये कैंडल में हमें बाय मिला है ना। और लोग यहाँ पे बहुत सारा लोग कंफ्यूज होता रहता है, ये अभी क्रॉस ओवर तो इधर हुआ नहीं, क्योंकि हमें जीरो लेवल का ऊपर चाहिए, क्योंकि जब ये क्रॉस ओवर हुआ तो ये जीरो लेवल का ऊपर था, मतलब ट्रेंड अप है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर बाय अपॉर्चुनिटी, और आप यहाँ पे देखेंगे तो कम से कम 5-6 रुपया ऊपर गया हुआ है इस एरिया में, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।